तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज इमिवे बंटाई और डैक्स का कोलैब म्यूजिक वीडियो आई बीन दैट रिलीज हुआ है। तो दोस्तों, इस ट्रैक में इमिवे बंटाई ने रफ्तार को फिर से डिस किया है, लेकिन इनडायरेक्टली। और शायद आप लोगों को पता नहीं, इमिवे बंटाई के इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद रफ्तार ने आज ही इमिवे बंटाई को रिप्लाई दिया है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को लेके जाएंगे इस ट्रैक पे, जहाँ पे इमिवे बंटाई ने रफ्तार को इनडायरेक्टली डिस किया। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि रफ्तार ने आज इमिवे को क्या रिप्लाई दिया। तो पहले इस ट्रैक में जहाँ पे इमिवे ने रफ्तार को डिस मारा, वो पार्ट आप लोग सुन लीजिए। मेरे गाने मेरे आंसू को पोछे, अंडरग्राउंड यहाँ तक पहुँचेगा क्या कभी तुम सोचे, इंडिपेंडेंट सीन बात कम शॉर्ट ज्यादा। तो अगर आपको इमिवे और रफ्तार के सीन के बारे में पता है, तो आपको ये पता होगा कि इस इंडिपेंडेंट सीन को लेके दोनों के बीच में बहुत ही हार्ड क्लैश हुआ था। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा। बस मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ कि ये लाइनें रफ्तार के लिए ही था। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इमिवे की इस इंडिपेंडेंट वाले पॉइंट का रफ्तार ने क्या रिप्लाई दिया है आज। रैप सीन जिसे कहते हैं, जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं, वो बेसिकली सीन होता है कि जब एक ग्रुप में लोग मिलके उसका ख्याल रख रहे होते हैं। और यार, सीन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका कभी भी ना हमारे बताने की जरूरत नहीं है। हम भी सीन की वजह से ही है। आर्टिस्ट ग्रो करना है हमको यार, सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं उनके घर चले। देखो, मेरा तो सिंपल सा हिसाब है यार, मेरे को तो बहुत जरूरी है, लोगों को पैसे वाली बात मैं करता हूँ बुरा लगता है, पर सब काम पैसे के लिए करते हैं। और बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, घर पे कोई बीमार होता है तो पैसे ही काम आते हैं, घर पे कोई जरूरत होती है पैसे काम आते हैं। तब मैं जाके अपनी माँ को ये नहीं बोल सकता, माँ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, उससे मेरी माँ का और मेरे घर का कोई भला नहीं होगा। सेकेंड, जहाँ पे इमिवे ने रफ्तार को डिस किया और रफ्तार के साथ साथ बादशाह को भी इमिवे ने डिस किया है, वो लाइन मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। दूर करने आया हूँ मैं ड्रामे और लोचे, येरा पर अटकेले है बीच में ही, इनका ऑर्गेनिक रीच नहीं। तो बेसिकली इन लाइनों के साथ रफ्तार का क्या कनेक्शन है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। रफ्तार का लास्ट एक म्यूजिक वीडियो आया था, मैं वही हूँ, और उस म्यूजिक वीडियो को गूगल एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट किया गया था। और सेम एक ही चीज हुआ था बादशाह के पागल सॉन्ग के साथ। तो क्योंकि इस प्रमोशन में एडवर्ड के थ्रू व्यूज लाने में पैसे खर्च करना पड़ता है, तो इसे ऑर्गेनिक व्यूज नहीं बोला जाता है। तो इन लाइनों के थ्रू इमिवे बंटाई ने इस टॉपिक को ही फिर से छेड़ दिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रफ्तार ने कैसे इस ऑर्गेनिक वाले बात को लेकर इमिवे को आज पिंच किया है। आपको जितना ठीक लगे उतना कमाओ, पर ये मत सोचो कभी कि पैसा नहीं कमाना, प्लीज, क्योंकि चलती चीजें उससे हैं। या तो भाई आपके पास जमीन वमीन है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, दो तीन भैंसे बांधी रखी हो, तो हमें भी अपने घर बुला लो, हम भी वहीं आके रह लेंगे छोड़ छाड़ के। ये सब कसम से यार, ऐसी ये जो लड़ाई है ना, ये जो रेस है, ये बड़ी थकाने वाली रेस है। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइनों में इमिवे बंटाई ने पुराने मेट्रो का रेफरेंस लाके रफ्तार को फिर से ठसाए। अगर एड़े चाले करेगा कहीं पे मेरे बारे में, तो तेरे को मिलेगा मेरे जैसा कोई नीच नहीं। तो दोस्तों, ये तो थे इस म्यूजिक वीडियो के कुछ पार्ट्स जहाँ पे इमिवे बंटाई ने रफ्तार को डिस किया, लेकिन इनडायरेक्टली। और इन सब के साथ रफ्तार ने तो आज ये भी बोल दिया कि इंडिया में ऐसा कोई रैपर नहीं है जो रफ्तार को टक्कर दे सके। और भाई, बहुत नेक दिल से और बहुत खुशी से बता रहा हूँ, एक रैपर नहीं ऐसा इंडिया में जिससे मेरे को डर लगता हूँ, एक भी, चाहे वो लिरिकली हो चाहे कुछ भी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें मैं कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरा हाथ खुलने दो, फिर मैं आगे सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि इस मैटर में आप किसको सपोर्ट करते हो, इमिवे बंटाई को या रफ्तार को। और अगर आप इमिवे बंटाई के फैन हो तो कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये नया म्यूजिक वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।